नमस्कार दोस्तों, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पल्लवी राय। आज हम पहुंचे हैं चौरी चौरा। हमारे बाएं साइड आपको चौरी चौरा स्टेशन नज़र आएगा। अगर आप चौरी चौरा कभी आएँ तो आप देखेंगे कि स्टेशन से 10 या 15 कदम दूर ही आपको चौरी चौरा का स्मारक मिलेगा। शहीद स्मारक चौरी चौरा के नाम से ये जगह जानी जाती है। आज हम आपको इसका भ्रमण कराएंगे, इसके बारे में आपको दिखाएंगे और इतिहास से भी आपको परिचित कराएंगे और इसकी मनोदशा और इसकी स्थिति क्या है इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। जब भी हम किसी भी जगह पहुंचते हैं तो उसका जायज़ा लेते हैं, इतिहास की बातें भी बताते हैं और कहीं ना कहीं आपको परिपक्व करने की भी कोशिश करते हैं। आज हम पहुँचे हैं शहीद स्मारक, अभी इसकी मरम्मत हो रही है। शहीद स्मारक के बारे में अगर आपको इतिहास में ले जाया जाए तो 1919 में गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी थी। इस मुहिम का मतलब ये था कि अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, शराब का बहिष्कार किया जाए, दारू का बहिष्कार किया जाए, ताड़ी का बहिष्कार किया जाए, गाजा का बहिष्कार किया जाए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए। तो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा मुहिम छिड़ गई और सबसे बड़ा बाज़ार जो था वो चौरी चौरा का उस समय था। तो ये लाजमी था कि चौरी चौरा का जो बाज़ार है सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी बवाल जो है वो यहीं पे होगा। तो उस समय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बताई जाती थी, तो कांग्रेस के लोगों ने मिलकर यानी कांग्रेस पार्टी के जितने मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर गांधी जी के साथ मिलकर मुहिम छेड़ी। और जब वो मुहिम इसमें तारीख है देखिए 4 फरवरी 1922 को अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए लोग एक जत्था बनाकर निकले हुए थे। वो जत्था जब पुलिस स्टेशन से आगे बढ़ा तो वहाँ के पुलिसकर्मी जो लोग थे वो उन जत्थे पर फायरिंग कर देते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में लोग जो हैं वो मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। जब वो लोग घायल हो जाते हैं तो एक सीटी बजाते हैं, उन लोग का एक संकेतिक चिन्ह होता था, वो सीटी जब वो बजाते हैं तो काफ़ी भारी मात्रा में बड़ी मात्रा में कांग्रेस के और भी लोग एकत्रित हो जाते हैं ताकि हमारे जो सहयोगी हैं उनको नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा सत्याग्रही जब वहाँ एकत्रित हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बवाल होता है पुलिसकर्मियों और सत्याग्रहियों के बीच, जिससे काफ़ी बड़ी मात्रा में सत्याग्रही जो हैं वो घायल होते हैं और मर भी जाते हैं। तब इससे नाराज़ होकर सत्याग्रहियों ने एक अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसी पुलिस चौकी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया गया था, उसे जलाया। और जब वो पुलिस स्टेशन जला दिया गया तब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था वो बंद कर दिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसके लिए मदन मोहन मालवीय जी ने वकालत की और तब जाकर बाकी लोगों को बरी करते हुए 19 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और उन 19 लोगों की याद में ये बना है शहीद स्मारक। और आज शहीद स्मारक की स्थिति ऐसी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेन यहाँ बन रहा है, वो बात सही है बन रहा है तो ठीक है, यहाँ थोड़ी गंदगी हो सकती थी, लेकिन हम जिस चीज़ पर आपका ध्यान एकत्रित करना चाहते हैं वो ये है कि हम उस शहीद स्मारक पर हैं जहाँ कुछ लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपनी प्राण को ऐसे ही दान दे दिया था, न्यौछावर कर दिया था। आज उसकी स्थिति क्या है आप देखिए, यहाँ पॉलीथीन के इतने ढेर सारे रैपर फेंके हुए हैं, कुरकुरे के रैपर फेंके हुए हैं और हम कहीं ना कहीं शुद्ध भारत स्वस्थ भारत की बात करते हैं और जब हम ऐसी जगह पर आते हैं जो शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपने परिवार को और अपने घर परिवार को छोड़कर हमारी शांति के लिए, हमारे चमन की शांति के लिए अपने प्राण को दिया है, जब वैसी जगह पर आते हैं और ऐसी स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक दुख जैसा फील होता है। आप खुद सोचिए कि जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी है वो देश ऐसे लोगों को क्या दे रहा है। अब जब आप ऐसे जगह पर आएंगे और ऐसी गंदगी देखेंगे तो क्या मैसेज जाता है। हम तो कहीं ना कहीं इंडियन है तो हम तो इसे सह लेंगे, अगर कोई विदेशी यहाँ आएगा और जब इसे देखेगा तो यही सोचेगा कि हम अपने फ्रीडम फाइटर को कितना प्यार देते हैं या कितनी उनकी इज्जत करते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम ऐसे ही गंदगी फैला रहे हैं। अगर आप डस्टबिन को जाकर देखेंगे तो डस्टबिन एकदम नया साफ़ सुथरा नहाया धोया जैसा लगता है, लेकिन पार्क जो है वो काफ़ी गंदा है और सबसे ज़्यादा गंदगी जो है वो पॉलीथीन के रैपर से ही है। आगे अब पूरे पार्क का अगर मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें ही नज़र आएंगी। क्या कहेंगे भैया,
आप ऐसे पार्क में आते हैं तो क्या सोचते हैं, अगर आप आपके बाबा या परदादा फ्रीडम फाइटर रहते और अगर आप इस पार्क में आते अपने बाबा परदादा को याद करने और पार्क की ऐसी स्थिति देखते तो आपको क्या लगता? मुझे यही लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसके लिए ये तो बिल्कुल सार्थ है, बिल्कुल जो कि यहाँ नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, उनकी याद में सुबह शाम जो भी आता है उनको याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे आज उनकी वजह से हम इस तरह स्वतंत्र घूम रहे हैं, नहीं तो हमारा देश पहले की तरह आज भी गुलाम रहता। अगर उन लोग स्ट्रगल नहीं करते इस जीवन में तो आज हम लोग भी आप गुलाम की जंजीर में अभी हम छूट नहीं पाते, इसलिए हमें अपने आप को बिल्कुल चारों तरफ वातावरण शुद्ध और सही रखना चाहिए और अपना जो कर्तव्य है पहले नीड एंड क्लीन का जो सफाई का अभियान चलाना चाहिए। लेकिन जब ऐसी चीज़ें जब हम देखने आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से जुड़ी है या हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ी है, जब वो पार्क गंदे आपको नज़र आते हैं तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? मैम, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स डिज़र्व करते हैं हम उतनी रिस्पेक्ट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज अब अनअवेयरनेस है सिटीजन में अपने इंडिया में, और बेसिकली ये तो एक मॉन्यूमेंट है, एक इतनी रिस्पेक्टेड थिंग है, इतना रिस्पेक्टेड स्टैचू है जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हमारे इंडियन सिटीजन मैम वो डिज़र्व जो फ्रीडम फाइटर्स करते हैं मैम, जिनके कारण हम आज यहाँ पे मैम हम फ्रीडम है मैम, हमारे पास इतने राइट्स हैं मैम हमें नहीं मिल पा रहे। अगर आप कहीं जाते हैं कुछ खाते हैं तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसे डस्टबिन में डालते हैं या आप भी ऐसे ही फेंक देते हैं? मैम हमें मैम अगर बात यहाँ की करें तो मैम यहाँ पे तो एकदम नहीं करना चाहिए। इस पार्क में इंसानों के साथ साथ जो है वो जानवर भी घूमने आते हैं, ये भी एक सवाल है कि भैया अगर आप किसी पार्क में ऐसे जानवरों को ले आएंगे, बाबू रुको रुको, अगर आप किसी पार्क में ऐसे जानवरों को ले आएंगे तो आम इंसान को भी हानि हो सकती है क्योंकि अगर वो मार देता है तो इंसान घायल हो जाता है। इसमें कोई रोकता नहीं है गाय वगैरह लाने के लिए? तो रोकते हैं सब, जाएंगे हम, आए इसी कहने भाग गई है, आ गई है। हाँ, ऐसे हमेशा आ जाती है? नहीं, पहली बार आई है। पहली बार आई है? हाँ, तो हम लोग भाग गए ना, ये अकेले आई है। आज हम लोग आए हैं इसीलिए पहली बार आई है? हाँ, आज हम लोग आ गए हैं देखने इसलिए कह रहे हो पहली बार आई है ना? तो पहली बार आई कौन सुना था उससे पूछ लीजिए क्या ही बोला जाए। अभी अभी आप ये देखिए, कुछ गंदगी प्लास्टिक की वजह से होती है, कुछ गंदगी जो है वो जानवरों के यहाँ आ जाने की वजह से है। यहाँ मरम्मत हो रही है तो थोड़ी गंदगी बालू सीमेंट की होती तो बर्दाश्त लायक थी, लेकिन जब गंदगी प्लास्टिक की रैपर से है, कुरकुरे और चिप्स के उससे है, तो ये बात समझी जा सकती है कि ये मरम्मत की वजह से नहीं हो रही है, ये गंदगी जो है वो हमने और आपने मिलकर फैलाई है। और ये देखिए, ये घूमने के लिए बना हुआ पद यात्रा के लिए बनाया गया रास्ता है और ये भी काफ़ी गंदा है। आप इस पूरे पार्क को अगर घूम के देखेंगे तो आपको हर जगह स्थिति यही नज़र आएगी। हमने अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको हमने क्या दिया है वही आपको दिखाने आ रहे हैं। उन्होंने हमें आज़ादी दी, स्वतंत्र भारत दिया जिसपे हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं वही हम आपको दिखाने आए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी दिखाने आए हैं कि हम अपने फ्रीडम फाइटर के लिए कितने जिम्मेदार हैं और कितने जागरूक हैं। अगर आप भी इस पार्क में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी यही करेंगे जो सबने किया है, तो आपसे यही अपील है कि कम से कम अगर आप इस पार्क में आएँ तो ऐसी गंदगी ना फैलाएं, और अगर कोई फैला रहा है तो ये भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने कर्तव्य को निभाते हुए उन्हें टोकें और कहें कि आप डस्टबिन में इसे डालें। पूरे पार्क की यही हालत है कि इस पूरे पार्क में ऐसे ही आपको चारों तरफ जो है वो पन्नी मिलेगा, डिस्पोजल मिलेगा या कुरकुरे और चिप्स का पैकेट मिलेगा। पार्क की स्थिति जो है वो यहीं के आम लोगों से जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गंदगी कौन फैलाता है और क्या इसे रोकने के लिए कोई प्रबंध है कि नहीं। ये बताइए भैया, जो लोग यहाँ पे आते हैं और पानी पीते हैं, चिप्स खाते हैं और फेंकते हैं, उनको रोका जाता है नहीं रोका जाता है? नहीं रोका जाता है। क्यों पता नहीं, यहाँ कोई प्रशासन नहीं है। कोई प्रशासन नहीं है? बताइए, यहाँ दारू भी चलता है? चलता होगा, कौन देखते हैं, देखने आता है, कोई रोकता नहीं। आप यहाँ के नहीं हैं? इधर के हैं, इधर घूमते हैं। तो यहाँ कभी देखे हैं किसी को पीते? कभी बहुत कम आते हैं। अच्छा, कभी किसी को पीते देखे हैं? नहीं देखे। नहीं, सिगरेट पीते देखे हैं। अच्छा, दारू पीते नहीं देखे, सिगरेट पीते देखे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपमान ही हुआ हमारे। लेकिन आपको चलता होगा उधर, जैसे कि पॉलिथीन था पाउच वाला जो उधर, तो ये मिक्स करके पीते होंगे सब। मतलब यहाँ जो पन्नी है
पैकेट पानी वाला है, हाँ, गिलास वाला सुधर है, गिलास भी है, इससे लग रहा है कि चलता होगा, हाँ चलता होगा कंफर्म है। लेकिन भैया आप खुद ही गुटखा खा रहे हैं? अरे हम कभी खा रहे, आप खुद ही गुटखा खा रहे हैं? बताइए भैया ये सब चीजें जो है वो गलत है। आपकी उम्र कितनी है ये बताइए? हमारी उम्र 16 हो गए भैया। अभी आप बालिग भी नहीं हुए और आप गुटखा खा रहे हैं, ये सब चीज़ मजा है। सुपारी है ना, सुपारी रैपर कहाँ फेंके बताइए? खा के उधर से आए खाए दुकान से, इधर नहीं फेंके। लेकिन तब भी आपको ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। फल खाइए आप, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, ऐसे भी चीज़ें बहुत कुछ हैं हमारे। बाबा चाचा ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लोग ऐसे खा के फेंकते हैं, कोई डांटता उड़ता नहीं है? नहीं, चौकीदार रहता तो तुरंत भगाते हैं, गेट के बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, लग तो नहीं रहा है हालत देख के जितनापन? तुरंत भी बाहर कर देते हैं, जब नहीं रहते हैं तब लोग खा के लोग पी देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर कोई आया है तो सबको भगाते हैं कि जो गंदगी फैलाता है सिर्फ उसको? जो गंदगी फैलाते हैं उनको बस, बाकी लोगों को बैठने देते हैं। आप मरम्मत कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, पेड़ उड़ काट रहे हैं। अच्छा, पेड़ उड़ काट रहे हैं। चाचा यहाँ झाड़ू उड़ू नहीं लगता है क्या? इस समय काम चल रहा है इसलिए अभी पूरा सफाई नहीं हुआ, जब काम हो जाएगा तो पूरा सुबह शाम झाड़ू लगता है। अच्छा, गंदगी का आलम यह है कि पॉलिथीन के पैकेट के साथ साथ यहाँ बियर की बोतल भी मिल गई है। बियर की केन है किंगफिशर की, और वहाँ देखिए, वहाँ तो मतलब क्या ही कहें, यहाँ पूरा अंबार लगा हुआ है। ब्रांड जो है, जो ब्रांड आप नहीं भी जानते होंगे वो ब्रांड ही मिलेगा, देसी से विदेशी तक सारे ब्रांड के दारू यहाँ पे अवेलेबल हैं आपको। शीशे के बोतल के साथ साथ प्लास्टिक के जो बंटी बबली और लैला जो देसी दारू है वो मिलेगी, और अंग्रेजी ब्रांड के तो काफ़ी भारी मात्रा में आपको जो है वो बोतल मिल जाएंगे। हमने अपने शहीदों को जो है यही दिया है, और हम यही उम्मीद भी करेंगे कि हम अपने शहीदों को ऐसे ही याद करें। अब जो बचा कुचा बचा हुआ था वो पीछे की दीवारें बयां कर रही थी, आगे जो है वो पन्नी मिली और कुरकुरे के पैकेट मिले, लेकिन पीछे के जो एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको सारी स्थिति जो है वो पता चल जाएगी। जब हम किसी भी पार्क की बात करते हैं तो कोई भी पार्क जो है उसमें गंदगी हम नहीं फैला सकते, चाहे हम किसी भी पार्क की बात करें। वहाँ पर आके आप ना सिगरेट पी सकते हैं और ना मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। और ये पार्क तो ऐसा है जो हमारे शहीदों से जुड़ा हुआ है, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि हम अमन शांति और सुकून से रह सकें, उन शहीदों को हम क्या दे रहे हैं? उन शहीदों को उनकी याद के लिए हम एक ऐसा पार्क दे रहे हैं जहां देसी से लेके विदेशी, अंग्रेजी से लेके हिंदी और दारुओं का भरमार लगा हुआ है, और लोग यहां शौक से आते हैं और ऐसे पीते हैं। भैया ये जो है वो सच्चाई है, और अभी तो हमें लग रहा था कि सिर्फ पीछे ही है, अब तो आगे भी हर जगह जो है आपको दिख रहा होगा, ये यही सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत जो है वो यहीं से पता चल रही है कि हम जो है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे याद करते हैं। अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी जब आएगा तो हमारे देश के जो युवा होंगे वो त्रिवलिंग करते हुए बड़े से झंडे के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए गुजरेंगे, और वही युवक जब ऐसे पार्कों में आते हैं तो गंदगी भी फैलाते हैं और साथ में जो असामाजिक तत्व हैं वो भी कार्य करते हैं पार्क में आकर। ये सब चीज़ें सही नहीं है, और एक सभ्य समाज में ऐसी चीज़ों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। अभी हम इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे कि हमें और कुछ ऐसी चीज़ें मिले तो हम इस पर भी बात करें, क्योंकि बालू सीमेंट वाली गंदगी तो बर्दाश्त की जा सकती है क्योंकि यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो सवाल खड़ा होता है कि अभी यहाँ के अगर कोई इंचार्ज वगैरह मिले तो उनसे पूछा जाए कि क्या इस पार्क में सब चीज़ें अलाउ हैं, और अगर अलाउ नहीं है तो फिर ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। अगर ये सब चीज़ें अलाउ नहीं हैं तो ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, और अगर अलाउ है तो फिर किसने अलाउ किया है, और अगर नहीं अलाउ है तो ये चीज़ें आई तो ये लोग कहाँ थे? क्योंकि जब भी कोई पार्क होता है बनता है तो उसका इंचार्ज कोई होता है और उसकी देख रेख के लिए कोई होता है, तो अगर वो मिलेंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा कि ऐसी ये सब चीज़ें समाज में इस पार्क में आई कैसे और आप कहाँ थे। इस पूरे पार्क का जो है वो मूल्यांकन किया जा रहा है, भ्रमण करते हुए इसका आकलन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पार्क की स्थिति क्या है।
चौरी चौरा का ये पार्क है, शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करते हुए हम जो हैं आज शहीद स्मारक पहुंचे थे चौरी चौरा, वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने पहुंचे थे। एक्चुअली हम दिखाने आ रहे थे कि हमने जो है शहीद स्मारक जो है हमको आपको दिखाएं, लेकिन आज जो है हम दिखाते दिखाते ये दिखा रहे हैं कि हमारा समाज जो है और समाज में रहने वाले जो कुछ लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए या अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भी जो है वो परे रख देते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप शौकीन हैं शराब पीने के तो आप अपने घर में पीजिए, लेकिन ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर अगर आप ड्रिंक करते हैं या ऐसे पार्कों में अगर आप ड्रिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज जाता है पूरे समाज को। अगर आपको पीते हुए कोई बच्चा देखेगा तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एडिक्टेड हो सकता है, और अगर ना भी हो तो आप कैसे सार्वजनिक स्थान पर बैठ के पी सकते हैं, वो भी ऐसे पार्क में जो कहीं ना कहीं हमारे शहीदों को समर्पित है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आप किसी पार्क में, ऐसे पार्क में आते हैं या किसी भी पार्क में जाते हैं तो ऐसी गंदगी ना फैलाएं, यही आपसे उम्मीद है और हमें ये उम्मीद है कि आप ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।